हाँ जी, तो फिर आप लोगों को आज का वीडियो का टाइटल देख के और स्टार्टिंग का एक्ट देख के पता चल गया होगा कि हम लोगों का एक और वीडियो है मैजिक गैजेट्स के ऊपर। तो फिर यार, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे कुछ मैजिक एक्सेसरीज जो अपने सस्ते जादूगर करते हैं। चलो देखते हैं फिर आज की चीज़ें क्या क्या हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा वाइट पहना था, आज सब ब्लैक कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो आज हमारी पहली चीज़ है जादू की चीज़, वो है गाइस एक जादू की छड़ी। तो इसे प्यार से डांसिंग बैंड भी बोलते हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों। तो आप लोगों को ये स्टिक दिख रही होगी, इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये स्टिक कुछ ऐसे निकल गई है, इसे अटैच करना रहेगा। मैं इसे अटैच कर देता हूँ, यहाँ से अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, इसका ये सिल्वर वाला मैच हो चुका है। और हेलो हाय, तो हम लोगों की जादू की छड़ी रेडी हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे किसी को नहीं दिखनी चाहिए, वो है गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक इनविजिबल या फिर एकदम थिन थ्रेड दिख रहा होगा। तो ये चीज़ है एक थिन थ्रेड, काफ़ी पतला सा थ्रेड रहता है ये। तो ये यहाँ पे इन लोगों ने स्टिक करके रखा है। ये एक्चुअली में किसी को दिखता नहीं है, ये हम लोगों के लिए सिर्फ, मतलब जिसको जो छड़ी लेगा उसके लिए है। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का थ्रेड अटैच्ड है, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो फिर ये कुछ ऐसे हाथ से बन जाएगा। और यहाँ पे ये मैजिक स्टिक है, अभी बस हम लोगों को ऐसे हवा में लटकाना है। और इसे यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा खुला खुला होना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग इसे कुछ ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं, एंड उसके बाद ये हम लोगों के डांस करना स्टार्ट कर देगी। तो इसे डांस करने के लिए बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्शन दिखाना है, और आप किसी को भी आराम से उल्लू बना सकते हो। तो यार ये डांसिंग गेम भी सही चीज़ है, मज़ा आता है ऐसे यूज़ करने में। चलो अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ, तो अपने पास जो अगली चीज़ है गाइस, इसे कहते हैं हेल्थ स्मोक पेपर। तो कुछ ऐसा दिखता है ये, इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसका एक पेपर है, यहाँ पे ये पेपर्स हैं। ओके, तो फिर ये पेपर यूज़ कैसे करते हैं? बेसिकली आप लोगों को ये पेपर को रखना है, उसे बंद करना है। ओके ओके, फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ना, उससे एक्चुअल स्मोक निकलता है। वो ठीक है, चलो देखते हैं कि सच में ये काम करता है क्या। सबसे पहले आप लोगों को इसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। ओके, दिस विल बी इनफ। ठीक है, फिर एक एल्यूमिनियम फॉइल पे हम लोग इसको बर्न करने वाले हैं ये पेपर को, तो बर्न करते हैं। चलो, बाय द वे लाइटर वही वाला है जो लास्ट वीडियो में दिखाया था। बहुत धुआं हो गया है, बहुत, बाप रे। ओ हेलो, इमरजेंसी इमरजेंसी। हाँ भाई, पूरे घर में आग लग जाती है अभी, सब चीज़ थोड़ी अंडर कंट्रोल आने के बाद। चलो देखते हैं फिर। चलो, ये जो पेपर है इसे हम लोगों को साइड में रखना है, और इसके बाद जो हमारा फॉइल पे बचता है इसको हम लोगों को एक्चुअली अपने फिंगर पे लगाना है। लगा लेते हैं, अच्छे से लगा लेते हैं, वर्क करना चाहिए बस भाई। हाँ, ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा रहेगा। कम ऑन कम ऑन। तो उंगलियाँ बहुत देर तक घिसने के बाद भी कोई धुआं निकला नहीं है, इस प्रोडक्ट को हम लोगों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ये इतनी चीज़ सही नहीं निकली। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट चीज़ है यार, वो भी एक मैजिक केन है। इसका यार बॉक्स देखो, ठीक है, ऊपर ड्रैगन, ठीक है, साइड में मैजिक ट्रिक, यहाँ पे मैजिक केन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट रिवील द सीक्रेट, प्रैक्टिस वेल एंड मिस्टिफाई एडल्ट मैजिक। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोगों के हाथ में आ चुका है। भाई आप लोगों ने इसको थोड़ा देखा रहेगा ऐसे, तो ये एक मैजिक वैंड है। एक्चुअली में क्या रहता है कि इसे आप लोगों को बस जस्ट पीछे पुश करना रहता है,
एंड उसके बाद ये जो पार्ट है ये ऐसे जाके निकल जाता है, फिर उसके बाद ये सीधे करेंगे और यहाँ से पूरा निकल जाएगा, बट मेरे ऊपर ही निकल जाएगा अभी करूँगा तो अभी लॉक करते हैं। तो फिर चलो ट्राई करते हैं, होपफुली ये कैमरे पे जाके ना टकराए, बच जाए हम लोगों का कैमरा। ये बैक किया यहाँ से, अगर एक्चुअली में क्या रहता है कि जब आप ऐसे हाथ सीधा रखते हो ना तो अपने आप ही ये निकल जाते हैं पीछे की साइड से। चलो रेडी, ये बैक किया, निकल निकल, ओह बचा कैमरा बचा, मैंने साइड कर लिया था। तो ये देख सकते हो आप लोग ही कितना ज़्यादा लंबा हम लोगों का पूरा स्टिक हो गया है। अभी कितना छोटा सा था, अभी पूरा कैमरे में भी नहीं आ रहा है। ये रहा स्टिक हम लोगों का पूरा। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली में ना एक मेटल की प्लेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये एक्चुअली में एक मेटल की प्लेट रहती है, ये ऐसे फोल्डेड है पूरी की पूरी, और इसी तरह से ये इतना सारा लंबा बन जाता है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, किसी को डराने के लिए भी भाई तगड़ी चीज़ है ये। तो ये फाइनली जाके फोल्ड हो गया, और इसी तरह से आप इसे बार बार यूज़ कर सकते हो, और किसी को डराने के लिए भी यार भयानक चीज़ है, बट मेक श्योर कि आप लोग खुद के ना मार लेना, थोड़ा ध्यान से करना। तो यार ये भी काफ़ी सही चीज़ है, और रिसेंटली ये वायरल भी हुआ था बहुत सारी जगह, तो बढ़िया चीज़ है जादू दिखाने के लिए। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हाँ, तो अपनी जो अगली चीज़ है वो है प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स है नॉर्मल से, ये मैं आप लोगों को सीधे करके दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस इस मैजिक ट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डेक शफल कर लेते हैं। लो शफल कर लिया मैंने, अच्छा और कर लूँ क्या? तो थोड़ा सा और कर लेते हैं शफल, ठीक है। ये शफल हो चुका है डेक। इसके बाद ये मैजिक ट्रिक ऐसी है, मैं यहाँ पे ये कार्ड्स रख रहा हूँ, उसके बाद मैं डेक बीच में से कट करूँगा, एंड जो टॉप पे यहाँ पे कार्ड रहेगा ना वो कार्ड मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा है, बिना देखे बिना उठाए, ठीक है। रेडी, तो फिर से हम लोग रख देते हैं इसे। अब मैं फिर से कट करता हूँ बीच में, है ना, कहीं से तो कट कर लेते हैं। ओके, ये निकाला है, क्या फेक लग रहा है। ठीक है, तो फिर इसको मैं फिर से हटा देता हूँ कुछ, तो कहीं तो सेंटर में, और ऐसे कर लेते हैं। फिर इसके बाद फिर से कट करता हूँ, हाँ ठीक है, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, फिर से कहीं डालना है बीच में, तो चलो ये मैं बीच में डाल देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से कर लेते हैं, हाँ चलो कट करते हैं ना, ये कट किया हम लोगों ने। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये जो कार्ड है, ये कार्ड मैं बिना देखे आप लोगों को बता दूंगा। ओके रेडी, ये कार्ड होगा गाइस फोर ऑफ स्पेड्स। ये कार्ड है फोर ऑफ स्पेड्स। तो ये मैंने कैसे किया, इसके लिए आप लोगों ना ये कार्ड्स थोड़े और पास से देखने पड़ेंगे, तो बैक साइड से आप ये कार्ड्स और ध्यान से देखो। देखा कुछ? दिखा नहीं दिखा? अच्छा और ध्यान से देखो, और जूम इन करके दिखते हैं। अभी दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो फिर इसके साथ एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था जो मैंने पहले ही छुपा दिया था, वो कार्ड कुछ ऐसा दिखता है। ये कार्ड देखो, अभी आप लोगों को समझा क्या है सीक्रेट? तो हर एक कार्ड के पीछे ना यहाँ पे इन लोगों ने एक्चुअली में जो नंबर है कार्ड का वो यहीं पे दे रखा है, बट ये कैसा है ना, डिज़ाइन के साथ हिडन है, मतलब कि डिज़ाइन ही कुछ ऐसा बनाया कि उसमें आप लोगों को दिखे ही ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ध्यान से दिखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है नाइन ऑफ क्लब, ठीक है, एट ऑफ क्लब, थ्री ऑफ डायमंड, तो ऐसे करके हम लोग सारे कार्ड्स देख सकते हैं पीछे से ही। तो ये ऐसी मैजिक ट्रिक है कि आप कुछ भी हो जाने दो डेक के साथ, कितना भी घुमा लें दो, बट आप लोग इन दी एंड पता कर ही लोगे उन लोगों के कार्ड्स। तो यार ये मैजिक ट्रिक के लिए भी बहुत बढ़िया है, और अगर आप किसी के साथ ऐसे कार्ड्स खेल भी रहे हो ना, कुछ भी खेल रहे हो, ब्लफ मास्टर खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, तो फिर आप लोगों को बहुत आराम से पता चल जाएगा कि उसका कौन सा कार्ड है, वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, सब आप लोगों को पीछे से ही पता चल जाएगा। तो यार आप इन कार्ड्स को यूज़ करके ना किसी को भी उल्लू बना सकते हो, इसके पीछे ही सारा सच छुपा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ भी एक आध बार ट्राई करूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना यार, वो लोग ये वीडियो देख लेंगे। तो यार बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसी स्पेशल डेक है ये कि सारे जादू इसी के साथ हो जाएंगे आप लोगों के। हाँ जी, तो इस वीडियो के लिए यही थे अपने गैजेट्स जो किसी भी नमूने इंसान को ऐसे जादूगर बना सकते हैं, और ऐसे आप कुछ बहुत बढ़िया मैजिक ट्रिक्स कर पाओगे, और इसी को कहते हैं सस्ता जादूगर। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में,
बट इससे पहले हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल पे अच्छी जो भी अमेजोन पर डील्स आती है वो देखना चाहते हो, फिर आप जो लोग जाके ज्वाइन कर लो। क्यों वेट कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, जाके ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। The club.